आज हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। कम कम कम, आई एम मेकिंग वे फॉर यू। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 डेज अक्रॉस द इंडिया। मैं पिछले लगभग 4-5 दिनों से शेयर हॉस्टल मुन्नार में रुका हुआ हूँ। बहुत ही बेहतरीन जगह है और इसके जो ओनर है उनका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। तो मतलब बहुत अच्छी सी एक बॉन्डिंग हो गई है भाई भाई वाली। और परसों यहाँ पर आए हैं फ्रांस से कुछ मेहमान, तो हमने सोचा कि उनके साथ कुकिंग की जाए और जो भी हमारा एक्सपीरियंस हो उन्हें आपको बताया जाए। तो हमने आज सोचा है कि चावल और दाल बनाएंगे और थोड़ा सा दाल में तड़का उड़का लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाना उन लोगों को पसंद नहीं है। तो चलिए मिलवाते हैं उन लोगों से और बनाते हैं फिर दाल चावल शेयर हॉस्टल मुन्नार में। सो भाई साहब, ये हैं हमारे मेहमान। व्हाट्स योर नेम? आई एम मेलानी। तो ये है मेलानी और आज हम लोग कुक करने वाले हैं। ये किचन का थोड़ा इग्नोर कीजिए, बिखरा पड़ा है। तो चावल और दाल हम लोग ले आए हैं और बनाने वाले हैं भाई साहब, कुक करने वाले हैं। कैन यू स्टार्ट कुकिंग? या लेट्स स्टार्ट कुकिंग राइस एंड दाल, पिजन पी, अरहर दाल। सब मेलानी जी आज बना रही हैं दाल और आज हम इनको सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसा बनता है। और जस्ट हैव टू वॉश दिस वन टाइम। तो जी भाई साहब, पिछले कुछ दिनों से मैं हो चुका था गायब और गायब इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी चल रही थी वीडियो एडिटिंग और इसी दौरान हमारी बहुत सी वीडियोस जो हैं करप्ट हो गई थी। तो वो आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी कहीं पर तो मैंने वहां पर बताया था कि करप्ट हो चुकी है हमारी वीडियोस। तो आज हमारे साथ हैं साफ़ान बाबा, स्पेशली आए हैं भैया ये ट्रैकिंग करने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। तो भाई साहब, आप किसी महान हस्ती के साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भूलेंगे। भाई साहब अभी याद दिला रहे हैं कि पानी की बॉटल भूल चुके हैं। अब देखते हैं, आगे मिलेगी तो ले लेंगे, अदरवाइज फिर क्या होएगा भगवान जाने। भैया, वेयर वी आर गोइंग? लक्ष्मी हिल्स। लक्ष्मी हिल्स पर जा रहे हैं, मुन्नार में है ये, और वो ऊपर कहीं पर चढ़ के अपन आज कैंपिंग दिखाने वाले हैं आपको। भाई ट्रैकिंग पे जाने से पहले बिस्किट ले रहे हैं और बन। तो भाई साहब, ये ब्रेड और बिस्किट हमने ले लिया ट्रैकिंग पे जाने से पहले। उस साइड से मैं बोल रहा था जाने के लिए, ये भाई साहब बोले कि नहीं इधर से जाना है, अब इधर से क्रॉस होना पड़ रहा है अपने को। गिव दैट बैग्स टू मी ना। देयर इज नो वे। आई थिंक आफ्टर दैट देयर इज अ वे। कम कम कम, आई एम मेकिंग वे फॉर यू। दिस इज द वे यू टोल्ड? This is the way you told. No, there's a way. We can close this also. भाई वहां से एक रास्ता ढूंढने जा रहे हैं, पता नहीं है भी कि नहीं है रास्ता। भाई पसीने निकलना स्टार्ट हो गया यार, और कुत्ते भी भौंकने लगे हैं ऊपर कहीं। देखो कहां तक पहुंचते हैं। बाबा वो ऊपर कहीं जाना है ऊपर, और अभी हम लोग वो कहीं नीचे से आ रहे हैं वहां पर। तो भाई अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा कुछ ट्रॉली होता होगा, अभी तो इस पे जंक लग गया, ये देख सकते हैं आप। ऐसा कुछ ट्रॉली से सामान ऊपर से नीचे ले जाते होंगे। और बाबा टायर्ड? नो, फुल पावर गो। या चलो चलो, 90 डिग्री। बहुत देख लीजिए कैसे हम चढ़ रहे हैं, हरिहर फोर्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। हाँ भाई, ये ऐसा एक स्टॉप है जहाँ पर आके बैठ गए हैं। 6 बजने वाले, अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होने से पहले हमें टॉप पर पहुँचना था। शायद पहुँच पाएंगे अब।
अच्छा ऐसा कुछ होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल सीन चला जाता है। तो बस यही तो है नोमैड वाली ज़िंदगी, मुसाफिर वाली। ओह मतलब दिखना भी बंद हो गया थोड़ा थोड़ा। और ये भाई जंगल को क्रॉस करके हम लोग टॉप स्टेशन, तो वहाँ पर कहीं पर जाना है और 6 बज चुके हैं और ऊपर करनी है कैंपिंग, उसके बाद है जंगल। तो मतलब ख़तरनाक होने वाला है कुछ सीन तो आज, देखो क्या होता है। तो भाई इनको पानी का कुछ स्रोत मिल गया इधर और भर रहे हैं। भाई वहाँ नीचे कहीं सिटी है और यहाँ आ गए हैं हम लोग, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ। ये सफान बाबा, और मतलब कैंप करने के लिए कहीं पर जगह ही नहीं दिख रही, पूरा ऐसा घास घास है पूरा, और कहीं पर भी प्लेन एरिया नहीं दिख रहा। मतलब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया, अगर नहीं मिला तो फिर क्या, देन व्हाट वी विल डू। अंधेरा घना छा रहा है और फिर भी अपन ट्रैक पे जा रहा है। तो वहाँ कहीं है सिटी और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई है। ये हमारा मुसाफिर वाला बैग और इस साइड भैया घना जंगल है, तो पता नहीं अब सेफ है कि नहीं है यहाँ रुकना, ये तो अब सुबह ही पता चलेगा। तो भाई साहब हालत आप देख रहे हो हमारी, रात हो गया हमको पहुँचते पहुँचते यहाँ पर और टेंट लगा रहे हैं। पता नहीं जो भी होएगा सुबह होएगा, अब तो रात को बस जैसे तैसे, अब सनराइज देखना था, पता नहीं क्या क्या उड़ रहा है इधर। तो ये टेंट लगा हुआ है, रात को कुछ समझ नहीं आएगा। और इस साइड जो है ना ख़तरनाक वाला जंगल है, वो नीचे जो दिख रहा है पूरा वो शहर है और इधर जंगल। तो जी भाई साहब लग चुका है हमारा टेंट और हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी हिल्स, जो कि पल्लीवासल एक जगह है मुन्नार से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर। तो वहां से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, एक पाइप है, पाइप को फॉलो करते हुए एक लास्ट स्टेशन तक पहुंचे और लास्ट स्टेशन से आगे पहुंचते पहुंचते हमको रात हो चुकी थी। तो बाबा रात को पहुँच चुके हैं टॉप पर और सुबह दिखाएंगे आपको नज़ारा। ये आप जो टेंट देख रहे हैं ना, ये किसी हिल के टॉप पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहुँचने में जो मशक्क़त करनी पड़ी उसका नज़ारा आप देखेंगे सुबह। और रात को खाने के लिए हमने कुछ लाया नहीं है, ये अपने पास एक गुड्डे बिस्किट, भैया प्रमोशन नहीं कर रहे बट यही सहारा बनेगा इसीलिए बता रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास है ब्रेड, वहाँ पर कहीं फेंका हुआ है भाई ने, तो भाई इज्जत करो उस ब्रेड की यार, आज भूख मिटाने वाला है वो हमारी। तो बस चाय, सबसे अच्छी बात हमने चाय पैक करा के लाया है मिल्टन के बॉटल में, तो मतलब ब्रेड और चाय मतलब अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और बस ऐसी है ज़िंदगी, तो चलिए ब्रेड वगैरह खाते हैं, थोड़ा पसीना सूख जाए सबसे पहले। तो टेंट लगा लिया, प्लेन जगह मिल गई, इस बात की खुशी है बाबा। पहाड़ में आए हैं भाई, पानी ख़त्म हो चुका है और बस चाय बचा है, तो चाय में ही हम ये ब्रेड लाए थे ये वाला, और एक बिस्किट तो हमने ठूस लिए भूल ही गए थे रिकॉर्ड भी करना होता है, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि ब्रेड खा रहे हैं और चाय। आज का डिनर हमारा यही है, मुसाफिर वाली ज़िंदगी है, थोड़े बहुत तो मज़े लेने ही पड़ते हैं। चलिए मिलते हैं सुबह फिर आपसे। ओ जी गुड मॉर्निंग, और सूरज निकल चुका है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, मतलब चेहरे पे चमक रहा है, एकदम लालिमा आ रही है, जो सामने से लाइट आ रही है सूरज की है, टेंट लगा हुआ है रात को। और जिस जंगल की बात कर रहा था ये है, और भाई इतना सामने से सूर्य चमक रहा है इतनी सुबह सुबह, और यहाँ पर कुछ लोग भी आ गए हैं मॉर्निंग में। भाई सूरज थोड़ा और ऊपर आ चुका है और हम लोग और टॉप पे जा रहे हैं, मतलब रात को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका टॉप कहाँ है, मतलब और भी टॉप है, और वहाँ से इस साइड का नज़ारा कुछ ज़्यादा खास लग रहा है। तो अभी वहाँ पर जा रहे हैं और ऐसा कुछ है पीछे का नज़ारा, बहुत ही शानदार है बाबा।
तो मतलब हम लोग वो क्लाउड बेड्स देखने को ऊपर की साइड गए थे और हमारा टेंट वहाँ कहीं लगा हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर छोटा सा, तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी। मतलब उस साइड गए थे हम लोग, वो उस साइड टॉप पे। ऐसी रही हमारी रात और मतलब कुछ ज़्यादा तो बता नहीं पाए, जैसा भी था वीडियो आपने यहाँ तक देख ली। पैक हो चुका है हमारा सामान और अभी निकल रहे हैं फिलहाल नीचे के लिए। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।